तो भाई क्या लगता है ग्राफिक कार्ड MRP पाएंगे? मतलब जो लोग कह रहे हैं मेरे 3070 आई थिंक 65,000 आ गया था और एकदम से धीरे धीरे अब 75 तक पहुंच गया है। भैया जाएंगे क्या कहते हैं, आप देख रहे हो कोरोना की वेव दोबारा आई है, चाइना लॉकडाउन है और सबको पता है कि मोस्टली जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है सारा चाइना से आता है। चाइना लॉकडाउन मतलब यहाँ पे प्राइसेस बढ़ेंगे मतलब प्राइसेस बढ़ेंगे 100% बढ़ेंगे भैया। और जिसको लेना ले लो, वो टाइम बेस्ट चल ही रहा है जो चल रहा है। राइट, अगर आप गेमिंग और एडिटिंग पीसी परचेस करना चाहते हैं तो आज ही चेक करिए हमारी वेबसाइट जो कि है techpc7.in। यहाँ पर आपको कस्टम का भी ऑप्शन मिलता है जिससे आप अपना पीसी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, और साथ के साथ अगर आपको सिंगल पीस लेना हो तो वो भी आप इस वेबसाइट से ले सकते हो। तो इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जरूर चेकआउट करें। सो गाइस फिर मैं एक बार आ चुका यहाँ पर नेहरू प्लेस, यहाँ पर हम ग्राफिक कार्ड की प्राइसेस कवर करने वाले हैं। देखो मार्केट यहाँ पर काफ़ी बड़ी है, जैसा आप इधर से भी देख सकते हो और इधर से अगर बात की जाए तो आगे तक ये मार्केट जाते हैं, लेकिन अगर ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस की बात की जाए तो सबसे अच्छे रेट यहाँ पर मिलते हैं स्मार्ट टेक पे। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस क्या चल रहे हैं एंड बात करते हैं भैया से। तो भैया क्या हाल है आपके? बढ़िया भाई। तो भैया काम आप कैसे चल रहा है आजकल? बढ़िया चल रहा है भाई, कोई टेंशन नहीं। ओके, तो भैया यहाँ पर देखेंगे ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस क्या चल रहे हैं यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पर सारे ग्राफिक कार्ड लगा दिए, यहाँ पर हम स्टार्टिंग करेंगे लो एंड से एंड जाएंगे हाई एंड तक ग्राफिक कार्ड पे। एंड भैया से मैं कुछ चीज़ें जरा डिस्कस कर ले, तो भैया इस टाइम ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस मतलब कैसे चल रही है? देखो ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस अभी लो ही हैं, क्या कहते हैं लोगों के पास स्टॉक नहीं होता, लेकिन क्या कहते हैं लोग फिर भी बोल देते हैं, तो लोग अंडरस्टैंड प्राइस बोलते हैं लेकिन उनके पास स्टॉक नहीं होता। तो ऐसे लोगों पर ना जाएं जो आपको एक पीस आपको दिखा भी नहीं सकते हैं ग्राफिक कार्ड, और वो प्राइस आपको क्या कहते हैं दे देते हैं। ये सब क्या कहते हैं बहकावा है कि आपको प्राइस दे दिया भैया, क्या कहते हैं कम हो जाएगा, MSRP पे आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, ये सब दिखावा है। जिसके पास क्या कहते हैं प्रोडक्ट पड़ा हुआ है उसके पास प्राइस है 100%। और नेहरू प्लेस में 5,000 कंपनियाँ हैं जो सेम यही काम कर रही हैं, तो ऐसा नहीं है क्या कहते हैं एक के पास प्राइस हो, क्या कहते हैं नहीं दे रहा हो। वो आपको सुबह बैठाएंगे और शाम तक आपको बैठाएंगे और शाम को बोल देते हैं कि भैया माल नहीं है या महंगा आ रहा है, और आप पैसे देके वहाँ पे फंस जाते हो। तो फंसो मत, सीधी बात है जिसके पास माल पड़ा हुआ है उससे माल खरीदो और तुरंत निकलो। तो भैया क्या लगता है ग्राफिक कार्ड MRP पाएंगे? मतलब जो लोग कह रहे हैं, देखो भैया अभी तो चल रहा है इस टाइम यूट्यूब पे, देखो ये सब क्या कहते हैं फॉर्मूले सारे फेल हो चुके हैं, क्या कहते हैं लोगों ने भी देखा है, क्या कहते हैं जो बोलते हैं MSRP पे आएंगे, एक झटका आता है जो अभी आपने देखा होगा बीच में, क्या कहते हैं 1,00,000 रुपये के जो प्राइजेस थे 3070 आई गए वो सीधा 70,000 रुपये पे आ गए थे, ठीक है ना, वो झटका आया। अभी दोबारा क्या कहते हैं धीरे धीरे बढ़ रहा है, इतना नहीं बढ़ेगा मैं कहता हूँ 1,00,000 तक नहीं जाएगा, लेकिन इससे नीचे भी प्राइस नहीं जाएंगे। मेरे 3070 आई थिंक 65,000 आ गया था और एकदम से धीरे धीरे अब 75 तक पहुंच गया है। भैया जाएंगे क्या कहते हैं, आप देख रहे हो कोरोना की वेव दोबारा आई है, चाइना लॉकडाउन है और सबको पता है कि मोस्टली जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है सारा चाइना से आता है। चाइना लॉकडाउन मतलब यहाँ पे प्राइसेस बढ़ेंगे मतलब प्राइसेस बढ़ेंगे 100% बढ़ेंगे भैया। और जिसको लेना ले लो, वो टाइम बेस्ट चल ही रहा है जो चल रहा है। राइट, ठीक है, तो मतलब प्राइसेस बढ़ेंगे। ओके, तो भैया चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर सारे ग्राफिक कार्ड कवर करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे हम लो एंड कार्ड से एंड जाएंगे हाई हैवी कार्ड जो आपके 3090 और 3070 जैसे कार्ड पर। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। तो भैया पहले बात करते हैं इस कार्ड के GT 610, भैया ये कितने का है कार्ड? वैसे ज़्यादातर डिस्प्ले के लिए यूज़ होता है, क्या प्राइस है भैया इसकी? 2950 3000 ये मार्केट प्राइस है इसका, और 2950 इसकी प्राइस होने वाली है। 2GB DDR3 आई थिंक ये रहने वाला है। बाकी इसके बाद अगर बात की जाए 2GB ये 730 ये कितने का होने वाला है भैया? 730 DDR5 कार्ड है। DDR5, हाँ ये बेटर कार्ड है, क्या कहते हैं 610 से, जैसे 610 710 आते हैं DDR5 में कार्ड है, तो मैं प्रेफर करूँगा, क्या कहते हैं लोग जैसे स्टार्टर गेमर्स होते हैं ये GTA 5 चलाना जिन्हें नॉर्मली, क्या कहते हैं, तो वो ये वाला कार्ड है। 4500 प्राइस होता है इसका, 4500 इसकी प्राइस रहने वाली है। बाकी GTA 5 कॉल ऑफ ड्यूटी एसेसिंग क्रीड जैसे गेमों को आराम से चला देगा, आराम से चला देगा नॉर्मल, क्या कहते हैं जो यूजर्स होते हैं जो नॉर्मल बेसिक सेटिंग पर। ओके, इसके बाद अगर बात करी जाए तो ये GT 1030, तो भैया ये 4G वाला वेरिएंट है, ये कितने का होने वाला है? 1030 ये आपका 8500 रुपये का कार्ड है, 8500। इसी में 2G वेरिएंट भी आता है, 2GB भी आता है, लेकिन इसमें प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये अच्छा कार्ड है कि DDR4 कार्ड होता है, और जो 4GB वेरिएंट आता है नॉर्मल वो DDR3 कार्ड होता है। ओके, मतलब जो 2G वाला होगा DDR3 होगा, ये GDDR5 है, अच्छा GDDR4 है। ओके, इसके बाद अगर बात करी जाए भैया ये हो गया 1030 आई थिंक 4GB एक आता है भैया कॉर्ड रो का काफ़ी सारे कार्ड होते हैं, मतलब कैसे मार्केट से गायब हो गए, क्या सीन है? गायब नहीं है एक्चुअली, इसकी पहले डिमांड कम थी। 1050 Ti पहले 8000 रुपये का कार्ड हुआ करता था, और ये 12-13000 रुपये का कार्ड हुआ करता था। ये सर्वर लेवल के कार्ड हैं, ये 1050 Ti 1650 के रिप्लेसमेंट कार्ड होता है, जैसे T400 हो गया, T600 हो गया, ये 1050 Ti 1650 के रिप्लेसमेंट कार्ड है जो
यूजर बजट फ्रेंडली हैं आज के टाइम पे, बट क्या कहते हैं इनकी प्रोडक्शन इतनी है नहीं जितना आ रहा है, क्या कहते हैं तुरंत सेल हो जाता है, इसकी वजह से इसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत कम है। मतलब लिमिटेड स्टॉक एंड वीड एंड इसकी चिप मैन्युफैक्चर करी थी जिस वजह से लिमिटेड कार्ड ये बन पाए, अब वो कार्ड खत्म हो गया, तो आई थिंक खत्म हो गया, दोबारा बनाएंगे वो भी लिमिटेड आएगा, मतलब अगर डिमांड 100 की है तो ये सिर्फ 20 कार्ड प्रोवाइड करवा पाएंगे। ओके, बाकी इसमें बात की जाए आई थिंक T400 कोई मिल रहा है आज के टाइम पे? T400 आ गए हैं, कुछ कुछ आ गए हैं लेकिन पहले से थोड़ा सा प्राइस ऊपर है। क्या प्राइस और कितने जीबी वाला मॉडल है? 400 4GB वाला कार्ड आता है, 4GB वाला, क्या प्राइस भैया उसकी? 13,000 के आसपास, 13,000 रुपए के आसपास है। इसमें अगर T600 की अगर बात की जाए, T600 भी है 16,000 रुपए के आसपास, 16,000 के आसपास है 4G वाला। मेरे पास स्टॉक नहीं है, मैं सिर्फ एक टेंटेटिव आईडिया बता सकता हूँ। अच्छा, स्टॉक आपके पास है नहीं, जो मार्केट का रेट है वो आपने बताया। बाकी सिम अगर बात की जाए T1000, इसकी क्या प्राइस रहने वाली भैया? दो वेरिएंट आते हैं भैया, एक 4GB का, एक 8GB का। 4GB क्या प्राइस है? 4GB का प्राइस 23,000, 23,000, 8GB 31,000, 31,000, ठीक है। इसी में अगर बात की जाए 1030 गैलेक्स का और बता दीजिए। 1030 2GB DDR5 है। अच्छा, 2GB है ये, ओके। क्या प्राइस है इसकी? कितना? 7,500। इसी में अगर बात की जाए कलरफुल 4GB, ये कितने का होने वाला भैया? ये भी 8,500 रुपये का कार्ड है, DDR4 कार्ड है, 8,500 का ही होने वाला है। ओके, इसी में अगर आगे बढ़ते हैं तो ये आता है 1050 Ti है भैया, इसका प्राइस मुझे बताइए 1050 Ti क्या प्राइस है? ये अभी काफ़ी एक्सक्लूसिव प्राइस पे आ गया, ये 17,000 का है। कितने का? 17,000, 17,000 रुपये का होने वाला है 1050 Ti इनो 3D की तरफ से। ओके, इसी में अगर बात की जाए 6050 का भैया क्या प्राइस रहने वाली है? ये 21,000 का है, 21,000 का होने वाला है, MSI डुअल फैन। ओके, 6050। इसके बाद अगर बात की जाए कौन सा आता है आपके 6050 के बाद? 6060 सुपर आता है आई थिंक। इसकी प्राइस भैया काफ़ी ड्रॉप हो गया है सुनने में आया, मतलब क्या प्राइस चल रहा है इसका? अभी 31,500 का कार्ड है, 31,500, 31,500 जो टैग। इसी में अगर कलरफुल या कोई और ब्रांड ले चीप में, थोड़ा बहुत 1,000-1,500 रुपये ऊपर नीचे चलता रहता है, ये तो डेली का सेगमेंट है, कहते कभी ऊपर और कभी नीचे, कहते 1,000-1,500 रुपये ये वेरिएशन आपको मार्केट में मिलेगा। मतलब कलरफुल लेंगे तो 1,000 या 1,500 रुपये सस्ता मिल जाएगा, मतलब 30-35,500 ऐसे मिल जाएगा। ओके, तो ये हो गया भैया। इसके बाद इसी में एक और आता है 1660 Ti। Ti क्या रेट होने वाला है? Ti भी ऑलमोस्ट सेम रेट है एक्चुअली, ये कार्ड अभी तो आपको पता ही है माइनिंग की वजह से बिक रहे हैं, माइनिंग में हैश रेट ऑलमोस्ट सेम होता है, और गेमिंग में देखा जाए 1660 Ti इससे ऊपर का कार्ड है, लेकिन प्राइस उसका सेम है, सेम है, आई थिंक दो हैश रेट ज़्यादा देखने को मिलते हैं उसमें। ओके, इसके बाद अगर बात की जाए भैया ये एक AMD का कार्ड 6600, इसकी क्या प्राइस है? ये 37,000 का इस टाइम पे, 37,000। इसी में XT वाला जो आता है, इसी में XT वाला 41,000 का मिल जाएगा आपको, 41,000। ओके, इसके बाद अगर बात की जाए 2060 GB, तो ये क्या रेट है? ये अभी 35,500 का कार्ड है, 35,500। इसी में 2060 12G वाले वेरियंट भी आता है, उसकी क्या प्राइस है? हाँ जी, उसमें भी वो भी 42,000 के अराउंड है, 42,000 के अराउंड है वो, ठीक है। एंड भैया अगर इसमें अगर नए कार्ड की तरफ बढ़े जो कि 3050, तो 3050 आई थिंक आपके पास असूस में है, जोटेक में, दो ब्रांड है, तो भैया सबसे सस्ता कौन सा होने वाला है आपके पास? सबसे सस्ता अभी मेरे पास 31,500 में इनो 3D है, शायद आपने लगाया नहीं होगा या मेरे स्टॉक में ऊपर होगा मेरे गोदाम में, ठीक है ना, 31,500 इनो 3D डुअल फैन है ना। एंड इसी में अगर जैसे असूस है, असूस एक Asus में ये ड्यूल फैन वेरिएंट है, ये 35,000 का पड़ेगा, ये 35,000 का। इसी में सिंगल फैन भी क्या आता है? इसमें सिंगल फैन आता है, वो 32,500 का पड़ेगा, वो 32,500 का पड़ेगा। एंड इसी में अगर जोटेक 5 ईयर वारंटी के साथ डुअल फैन है भैया, ये डुअल फैन जोटेक 3050, क्या रेट पड़ेगा ये? इसमें तीन वेरिएंट आते हैं, तीन वेरिएंट है, स्टार्टिंग कितने से है? 32,000 से स्टार्टिंग होती है इसकी, 32,000, 34,000, 36,000 का कार्ड है। बाकी इसके बाद अगर बात की जाए 3060, तो 3060 भैया आपके पास यहाँ पर दो, एक है रॉग स्ट्रिक और एक है जोटेक। तो पहले भैया जोटेक की बात करते हैं भैया, इससे भी कुछ चीप आता है तो कलरफुल जैसा ब्रांड, क्या रेट पड़ेगा 3060 में? 39,000 के अराउंड में आएगा, 39 के आसपास पड़ेगा 3060। एंड जोटेक का 3060 ये 41,000 का पड़ेगा, ये 41 का पड़ेगा। एंड अगर प्रीमियम ब्रांड की तरफ यहाँ पर आए जो कि रॉग स्ट्रिक बहुत हैवी कार्ड है, ट्रिपल फैन में है, ये कितने का पड़ेगा भैया? भैया सिर्फ बिल्ड के साथ देते हैं, अच्छा बिल्ड के साथ है, वगैरह के लिए नहीं है, सिर्फ हम बिल्ड के साथ देते हैं 48,000 का, 48 का होने वाला है बिल्ड के साथ।
ओके 48 एंड ट्रिपल फैन अगर कोई और ब्रांड मिले जैसे कलरफुल या आई गेम इनमें से 3060 वो थोड़े चीप हैं क्या कहते हैं वो भी 42, 43, 45 के अराउंड में आते हैं 42, 43 के बीच रहने वाला आई गेम ट्रिपल फैन कलरफुल ओके इसी के बाद वो कार्ड आता है जिसकी बहुत डिमांड है 3060 Ti बहुत डिमांड है कस्टमर मतलब एक तरह से पागल है इसके कार्ड के पीछे आप मुझे बताइए सबसे सस्ता कार्ड कितने मिलेगा 3060 Ti राइट नाउ अभी मेरे पास जो अवेलेबल है कलरफुल का अवेलेबल है 2 फैन में 53,000 मिनिमम इसकी कॉस्ट है 53 आई थिंक आपने यहाँ लगा भी रखा है 3060 Ti कलरफुल डुअल फैन कितना बताया था 53,000 एंड इसमें गैलेक्सी भी आता है गैलेक्स भी अराउंड सेम प्राइस होगा गैलेक्स का मेरे पास अभी स्टॉक नहीं है मेरे पास जोटेक भी मिलेगा इसमें अच्छा जोटेक भी है आपके पास 5,000 ये कौन सा एम्प वाइट एम्प एडिशन अच्छा एम्प ओके एंड एक और आता है इसमें वो 36 जोटेक 3060 Ti OC वो टीनेज ओसी आता है टीनेज ओसी स्टॉक नहीं है थोड़े दिनों में आ जाएगा वो भी अराउंड 54-55 के अराउंड में 54-55 के आसपास मोस्ट प्रोबेबली आपको मंडे में अवेलेबिलिटी मिल जाएगी मेरे पास ओके तो मतलब 3060 Ti की स्टार्टिंग 53 से है और 55 मतलब जो टोटल कवर हो जाएंगे 55 ऐसी क्या कि वेरिएंट के अकॉर्डिंग है 3 फैन वाला थोड़ा सा और महंगा होता है 2 फैन वाले थोड़ा सा 53 से 55 के अराउंड में है सारे एक कार्ड और है कलरफुल का आई गेम ट्रिपल फैन वो क्या रेट पड़ेगा 3060 Ti 3060 Ti रेडी स्टॉक है मेरे पास 57,500 अच्छा ये जो यहाँ आपने लगा रखा है ये ट्रिपल फैन 3060 Ti आई गेम 57 का ही होने वाला है ओके इसी में अगर बात करी जाए गीगाबाइट ट्रिपल फैन देखो गीगाबाइट हम करते नहीं है रियल बताऊं तो बस स्टॉक होता है कस्टमर मांगता है बैक टू बैक करते हैं उसका प्राइस थोड़ा सा क्या कहते हैं इन सबसे ज्यादा होगा गीगाबाइट इन सबसे ज्यादा होगा बाकी करते नहीं हो 500,000 रुपए ज्यादा होता है मतलब 58-59 के आसपास चला जाएगा उसके प्राइस यूजर डिपेंड पे क्या कहते हैं अगर यूजर ने मांगा है तो हम अवेलेबल करवाते हैं लेकिन रेडी स्टॉक में नहीं रेडी स्टॉक में नहीं रखते हो ठीक है इसके बाद अगर बात करी जाए भैया आई थिंक 3070 आता है इसके बाद 3070 क्या प्राइस होने वाले भैया आपके पास 3070 और 3070 Ti ये दो कार्ड्स आते हैं जोटेक में 3070 62,000 का 62,000 3070 और 3070 Ti 3070 Ti 72,500 अच्छा भैया यहाँ पर आपके पास आई थिंक दो है एक है जोटेक ट्रिनिटी OC और एक है एम्प होलो ब्लैक तो जो 72,500 बताया वो कौन से ब्रांड का बताया आपने ट्रिनिटी का प्राइस है अच्छा ट्रिनिटी OC एम्प होले से 3,000 रुपये पर रहता है ये 75,500 के अराउंड अच्छा मतलब 3,000 रुपये महंगा होने वाला है 75,500 का ही होने वाला है होलो ब्लैक इसी के बाद अगर बात करी जाए 3070 Ti हो गया कलरफुल में भी कहा था 3070 Ti वो क्या रेट होने वाला है 3070 Ti कलरफुल का इससे चीप है 70,000 के अराउंड में प्राइस है 68-70 उसमें दो तीन वेरियंट आते हैं जैसे बैटल एक्स आई गेम वुल्कैन एडवांस एडिशन तो 2-3,000 रुपये ऊपर रहेंगे कितने से कितने में सारे मॉडल आ जाएंगे ये आपका 68,000 से 75,000 के अराउंड में सारे मॉडल 68 से स्टार्टिंग होगी और 75,000 में सारे मॉडल कवर हो जाएंगे चार पांच जो मॉडल आते हैं ट्रिपल फैन में ही चार पांच मॉडल आई थिंक एक दो डुअल फैन में भी आते हैं हाँ एक नहीं इसमें ड्यूअल फैन नहीं आता है 3070 Ti में आपको ट्रिपल फैन ही मिलेगा सारे कलरफुल में ठीक है एंड इसी में अगर बात की जाए 3070 Ti के बाद 3080 इसका क्या प्राइस होने वाला है आई थिंक आपके पास रखा भी है गैलेक्स 3080 क्या प्राइस होने वाला है भैया इसका गैलेक्स का प्राइस 89,000 है बिकॉज ये कूलेस्ट कार्ड है 3080 में जो कूलेस्ट कार्ड आता है माइनिंग में क्या कहते हैं वो होता है फोर फैन आता है अच्छा फोर फैन है विद एंड सब सस्ता कितने का मिलेगा 3080 सस्ता 82,000 का मिलेगा जेट 82 कौन सा ब्रांड जोटेक जोटेक कलरफुल अगर लिया जाए तो कलरफुल भी अराउंड यही प्राइस है 80-82 मेरे पास स्टॉक नहीं है इसलिए मैं एक्यूरेट प्राइस नहीं बता सकता जिस चीज़ का मेरे पास स्टॉक है उसका एक्यूरेट प्राइस बता दूंगा ओके और जिस चीज़ का नहीं है क्या कहते हैं वो थोड़ा सा महंगा हो सकता है या थोड़ा सस्ता भी हो सकता है ओके तो एक्यूरेट प्राइस नहीं दे पाओगे बाकी जोटेक 82 रहने वाला है ट्रिपल फैन 5 ईयर वारंटी 3080 Ti का और बता दो भैया 3080 Ti क्या रेट होने वाला है 3080 Ti आपको मिलेगा 1,20,000 का 1,20,000 120,000 रुपये अच्छा जोटेक मिल जाएगा 1,20,000 रुपये में 3080 Ti इसी में अगर बात करी जाए लास्ट कार्ड 3090 ऑलरेडी यहाँ पर है ट्रिनिटी OC भैया तो ये क्या रेट होने वाला है 30 बहुत ही बढ़िया प्राइस है जिसको भी लेना है ले लेना मेरे पास 2 या 3 पीस लास्ट स्टॉक में है 1,60,000 का 1,60,000 रुपये 3090 होने वाला है वो भी ट्रिनिटी OC 1,60,000 रुपये 3090 चेक कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया कोई भी ये प्राइस आपको देगा
ट्रिनिटी ओसी लास्ट टू नंबर्स हैं, इसकी वजह से मुझे नया स्टॉक खरीदना है, तो दो नंबर्स पड़े हैं, जो जल्दी आएगा उसे मैं दो नंबर्स देता हूं। ओके 3090 गाइस बिल्कुल बाय करिए, 160,000 रुपये का यहाँ पर मिल रहा है। बाकी भैया 3090 हो गए, एक नया कार्ड भी आया 3090 Ti, कब आएगा आपके पास? 3090 Ti भी बस हमारी बिलिंग्स हो चुकी हैं, ये अराउंड आपको 190,000 रुपये के करीब का प्राइस पड़ेगा, 190,000 का पड़ेगा 3090 Ti। अच्छा भैया कुछ AMD भी कार्ड बता दो, 6600 XT तो हमने कवर कर ही लिए थे, 6700 XT क्या प्राइस होने वाला है? 6700 XT का प्राइस अभी मेरे पास आया नहीं है, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। प्राइसेस में एक्चुअली क्या कहते कस्टमर डिमांड पे वो बहुत महंगा है, एज कस्टमर जो मांग रहे हैं, और उसका प्राइस अभी कंपनी ने डाउन नहीं किया, हो सकता है क्या कहते हैं ये प्राइस आपका 55,000 में आ गया। ओके सो गाइज ये थे यहाँ पर ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अगर आपको कोई भी ग्राफिक कार्ड खरीदना हो तो बिल्कुल आप बाय करिए, डिस्क्रिप्शन में सारे कॉन्टैक्ट नंबर, रियल एप्लीकेशन, एड्रेस सब चीज़ें मिल जाएगी। बाकी बहुत ईजी है, नेहरू प्लेस के जस्ट सामने शॉप पड़ती है, तो आई थिंक आने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी थैंक यू भैया वीडियो बनाने के लिए। बाकी भैया एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, लास्ट में काफ़ी बार मैंने देखा गया कि जो वीडियो हम रेट कवर करते हो एक्चुअल मिल नहीं पाते, महंगा मिलता, तो ऐसा तो कुछ यहाँ पर नहीं होगा ना जो रेट हमने? मेरे तो कहते हैं आपकी वीडियो भी बहुत सारी हैं, आप कोई भी बता दो, कोई भी एक बंदा बोल देगा कहते हैं कि नेहरू प्लेस में स्मार्ट में जाके अगर मेरे पास स्टॉक है उसे कहते प्राइस जो मैंने बोला है वो नहीं मिला हो। आई थिंक ये वीडियो कल डल जाएगी, ये वीडियो जो प्राइसेस आपने बताया कितने दिन तक वैलिड रहेंगे? सर मान के चलो क्या कहते हैं यहाँ पे तो डेली के ही प्राइसेस होते हैं, लेकिन हाँ 2-3 दिन तो मैं श्योर करता हूँ कि कहते हैं 2-3 दिन तक मतलब कुछ नहीं चेंज होंगे, मतलब जो रेट हमने वीडियो कवर करे है वही रेट 3 दिन तक यहाँ पर मिलने वाले हैं, 3-4 दिन जब तक, 3-4 दिन तक रहने वाले ही रेट। ठीक है तो थैंक यू वीडियो बनाने के लिए।